अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन एग फ्राइड राइस। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 2 कप मैंने चावल ले लिए हैं और इसको मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। 2 अंडे ले लेने हैं। 200 ग्राम मैंने चिकन ले लिया, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। कैरेट ले लेनी है, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया 1 अदद। 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद प्याज, 1 प्यारी स्प्रिंग ऑनियन, 2 हरी मिर्चें, लहसुन 4 से 5 चम्मच, इसको मैंने चॉप कर लिया। चाइनीज सॉल्ट 1 चम्मच, रेगुलर सॉल्ट 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, 100 ग्राम ऑयल ले लेना, व्हाइट विनीगर या सफेद सिरका 2 चम्मच, सोया सॉस ये भी 2 चम्मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अंडों को फेंट लिया, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करके अंडे शामिल करके इसका क्रैम्बल बना लेंगे। इसको बिल्कुल आप लोगों ने थोड़ा सा पकने देते हैं इसको। इस तरीके से आप लोगों ने इसको क्रैम्बल कर लेना छोटे छोटे पीसेस में। इस तरीके से आप लोगों ने बना के एक प्लेट में निकाल लेना। अब बाकी ऑयल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ में पहले हम लोग प्याज को फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। साथ में इसमें मैं चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करूंगी। इसको टॉस करेंगे। अब इसमें हम लोग चिकन शामिल कर देंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना, साथ ही साथ इसको प्याज और लहसुन में फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसमें मैं हरी मिर्च शामिल करूंगी, साथ में कैरेट, कैप्सिकम थोड़ी सी मैं बाद में यूज करूंगी। तमाम चीजों को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में स्प्रिंग ऑनियन शामिल कर देंगे। नमक, चाइनीज सॉल्ट, काली मिर्च का पाउडर, बीच में अंडा शामिल कर देंगे। तमाम चीजों को अच्छे से हिला लेंगे ताकि मिक्स हो जाए। तमाम चीजें अच्छे से मिक्स हो गई, अब इसमें मैं राइस शामिल करूंगी। इसको मैं हाथ से शामिल करूंगी ताकि ये इस तरह से फैला देना। इसको बहुत ही आसान है बनाना, आप जरूर घर में इसको ट्राई करें, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। तमाम चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें मैं वेनेगर शामिल करूंगी, साथ में सोया सॉस। ये चीजें भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं, और बाकी की शिमला मिर्च ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंच बाकी रहे। बस तमाम चीजों को दोबारा से मिक्स करके आप लोगों ने 2 मिनट दम पे रख देना है ताकि तमाम स्पाइसी और तमाम वेजिटेबल्स अच्छे से उसका फ्लेवर चावलों में आ जाए। एक बार तमाम चीजों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, अब इसको कवर करके 2 मिनट बिल्कुल लो हीट पे दम पे दे देंगे, फिर इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको। जी तो 2 मिनट हो गए, अब इसको ढक्कन उठाते हैं और डिश आउट करते हैं। बहुत ही लाजवाब बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम। अब इसको डिश आउट करते हैं।
जी तो व्यूअर्स, चिकन एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है, मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसको केचप और हॉट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, और कोक के बगैर तो ये बिल्कुल अनकम्प्लीट है। तो इसको जरूर अपने घर में ट्राई करें और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।